हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को एक बहुत अच्छा एंटी एजिंग सीरम बना के दिखाएंगे। ये सीरम आप यूज कीजिएगा तो आपका स्किन में जो पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल, फाइन लाइन है, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और ये सीरम आप घर में बना सकते हैं और सब कुछ अवेलेबल हमारे किचन में भी होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं एक कौन सा सीरम आप लोग एक सीरम यूज कीजिएगा तो बहुत जल्दी आपका स्किन में बहुत अच्छा एक ग्लो आएगा। और एक सीरम बनाने के लिए चलिए पहले देख लेते हैं कौन कौन इंग्रेडिएंट्स हमको लगेगा। तो फ्रेंड्स, एक सीरम बनाने के लिए पहला इंग्रेडिएंट्स हमको लगेगा ये है फ्लैक्स सीड। तो फ्रेंड्स देख लीजिए अच्छा से, एक फ्लैक्स सीड्स हमको 1 टीस्पून लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। ये बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, आपका स्किन में जितना प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। तो हम एक और 1 टीस्पून ये देखिए फ्लैक्स सीड्स लिया। और अभी ये फ्लैक्स सीड को हम बोल में लेके पहले पानी दे के एक और हम लगभग हाफ कप पानी डालेंगे। पानी डाल के अच्छा से ये उबल लेंगे 5 से 10 मिनट। उबलने के बाद आप लोगों को हम दिखाते हैं इसका जो जेल होगा वही हम यूज करेंगे। और उसके साथ लगेगा एलोवेरा जेल, लगेगा एलोवेरा जेल हमको एक और 1 टीस्पून लगेगा। और लगेगा बादाम ऑयल, बादाम ऑयल भी आप लोग जानते हैं हमारे स्किन के लिए तो बहुत अच्छा होता है। तो बादाम ऑयल हमारे स्किन में जो दाग है वो धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा, डार्क सर्कल रिमूव हो जाएगा, पिगमेंटेशन भी दूर हो जाएगा और स्किन को बहुत हेल्दी हाइड्रेट बना। तो हम एक और 1 टीस्पून आमंड ऑयल यूज करेंगे। और आमंड ऑयल आपके पास नहीं है तो आप लोग कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल भी हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो चलिए फिर पहले फ्लैक्स सीड्स को बॉइल कर लेंगे। तो अभी ये 10 मिनट हम ऐसे मीडियम टू स्लो गैस में हम बॉईल कर लिया तो पानी भी थोड़ा कम हो गया। अभी हम ये छान लेंगे। तो अभी हम थोड़ा गरम गरम छान लेंगे, नहीं तो ये जम जाएगा, मोटा हो जाएगा। ये जब ठंडा हो जाएगा ना तब ये पूरा ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, हम फेस को वॉश कर लिया और अभी देखिए एक फ्लैक्स सीड जेल देखिए ये पूरा जम गया, ये जेल ही हो गया पूरा। अच्छा से मिक्स करेंगे, उसके साथ हम यूज करेंगे एलोवेरा जेल। और उसके साथ हम आमंड ऑयल भी मिक्स करेंगे, बहुत अच्छा क्रीम बन जाएगा। आपके पास ब्लेंडर है, हैंड ब्लेंडर, उसी से भी आप ब्लेंड कर सकते हैं। तो देखिए क्रीम जैसा ये हो गया, जितना आप ये मिक्स कीजिएगा इतना अच्छा ये क्रीम बन जाएगा। और ये आप फ्रिज में रख के 1 वीक यूज कर सकते हैं। तो देखिए दिन में आप 2 बार यूज कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा लीजिएगा, थोड़ा सा लेने से ही हो जाएगा। और पूरा रात भर रख दीजिएगा, सुबह में ऐसे पानी से वॉश कर लीजिएगा। दिन में 2 बार यूज कीजिएगा तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और इसको रिजल्ट आपको कैसा मिला मेरे साथ शेयर कीजिएगा।